नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए एसएससी जेई में। वैकेंसी आ चुकी है, सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी जेई की तरफ से जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12/8/2022 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2/9/2022 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सीबीटी एग्जाम की डेट भी यहां पर दी गई है कि नवंबर में आपका पहला एग्जाम होगा। तो फर्स्ट जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए वैकेंसी है। और इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपका डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, सिविल या फिर मैकेनिकल होना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि आपका डिप्लोमा है तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप जिस भी ब्रांच से हैं उस ब्रांच में डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट पर डिप्लोमा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर CPWD पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन पर वैकेंसी आई हुई है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए फरक्का ब्रिज प्रोजेक्ट पर भी वैकेंसी आई हुई है। इस पर अप्लाई करने के लिए आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आप जिस ब्रांच से हैं उस ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। तो चलिए देखते हैं कि इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि MES में सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जॉब आई हुई है, और इस पर अप्लाई करने के लिए आपका सिविल इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में यदि BE/BTEC है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, बट यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो MES में डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। MES के साथ साथ आप देख सकते हैं कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च में भी सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है, जहां पर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखा गया है। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग पर भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई हुई है, क्वालिफिकेशन आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। तो लगभग जितनी भी जॉब आई थी सभी को हमने कवर कर लिया। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एज लिमिट क्या है और इसके साथ साथ एज में छूट क्या दी जा रही है। तो सबसे पहले यदि हम एज में छूट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि STSC को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी जा रही है। नेक्स्ट यदि हम अपर एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि BRO में 30 ईयर है और सेंट्रल PWD में 32 ईयर रखी गई है, और इसके साथ साथ सेंट्रल वाटर डिपार्टमेंट में भी 32 ईयर है, और बाकी बची हुई सभी वैकेंसियों में 30 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। फॉर्म फिलअप फीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है, और इसके साथ साथ STSC PWD कैंडिडेट इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जर्नल और OBC को 100 रुपये पे करना होगा इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए यदि हम सिलेबस की बात करें तो इसी PDF में पेज नंबर 15 से सिलेबस स्टार्ट है, तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अपना अपना सिलेबस देख सकते हैं। और इस PDF को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पेज नंबर 15 पे फुल सिलेबस देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इस फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म अप्लाई का लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।